हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली मेरा मेडिसिन। वेलकम बैक टू अनदर सेशन वीडियो। अब अनब जैन के मैंने एक दो सॉन्ग्स पे रिएक्ट किया था काफ़ी टाइम पहले, बट कोई खास व्यूअरशिप नहीं थी, बट मैंने बड़ा एंजॉय किया था। वो भी सजेशन थी, लेकिन अब एक और फैन आई है मेरे पास अनब जैन के। तो रिहा सॉन्ग उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने ढूंढ लिया है उन्हीं के ऑफिशियल चैनल से, मैंने वीडियो लिया है, तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब बहुत डिफरेंट सॉन्ग्स होते हैं इनके, इतना ज़्यादा म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जो ये गाने लिखे हुए होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं, तो मज़ा आता है सुन के। लेट्स वॉच आउट।
तो ये बंदा अरिजीत सिंह है, ना सोनू निगम है, ना के है, ना जुबिन नौटियाल है, बट इसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। बहुत ही एक सुकून सा, एक पीसफुल इन्वायरमेंट बन जाता है जब अनब जंगल का गाना मैं सुनूं, और सीधा वो दिल में ही उतरता है। कुछ खास है इसका ये गाना, बहुत स्पेशल सॉन्ग है, मतलब लिखा हुआ, और इसमें इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की हुई, मेहनत इन द सेंस कि कोई ये एक बंदे का बनाया हुआ गाना है, इसमें कोई टीम नहीं नज़र आ रही। आई गेस वो खुद ही लिखता है और एक गिटार के साथ वो रिकॉर्ड करता है, तो सैल्यूट है एब्सोल्युटली। तो लिखना बहुत कमाल का लिखा हुआ ये गाना, आप हर उस इंसान को डेडिकेट कर सकते हैं जो आपके दिल में आज भी रहता है बट आपकी लाइफ में शायद अब नहीं रहा, और सिर्फ उसकी यादें हैं जो आपके लाइफ में हैं, और उन यादों की आप कैद में हो और रिहा हो भी नहीं पा रहे और होना भी नहीं चाहते, बिकॉज वो यादें खूबसूरत खूबसूरत हैं, बट वो लोग नहीं समझ पाते इस बात को, वो समझ भी नहीं सकते। वो यादें आपके लिए खूबसूरत हैं और वो कैद भी आपके लिए खूबसूरत है। बहुत ही ये खूबसूरत गाना है। दैट वाज डायरेक्शन ऑफ, आपको अच्छा लगा हो सजेस्ट करते रहें, मैं अनब जैन के और गाने भी जरूर सुनना चाहूँगा, प्लीज सजेस्ट करें। मिलते हैं किसी डायरेक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेकी बात।